Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a video and my video will start after my intro. Tab tak subscribe nahi kiya to subscribe kar lijiye, aur jo log naye hain channel par, I welcome you all to Diva Mantra family. I will see you after my intro. सो गाइज आप सोच रहे होंगे वीडियो किस बारे में, आप लोगों को पता होगा मैंने सुबह एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट लगाया था जहाँ पे एक चैनल के क्लोज होने की एक मैसेज लिखा हुआ था. उसके बाद काफी हलचल हो गई यूट्यूब पे वो, और मैं देख रही हूँ तरह तरह के स्क्रीनशॉट मेरे पास ऑलरेडी आने लग गए हैं. एक स्क्रीनशॉट में एक बहुत ही बड़ा दिव्य कमेंट दिखा मुझे देखने को मिला जहाँ पे एक यूजर पूछ रहा, अरे ऐसा कैसे हो गया, उधर तो ऐसी कोई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई थी. ओ रियली, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति, क्या आप घर में किसी लॉकर में रख के बैठे हुए हैं, किसी के माँ बाप को शब्दों का इस्तेमाल करके उनके बारे में बात की जा रही है, तो वो बहुत अच्छी भजन कीर्तन वाली अगर आपके लिए बात है तो बस समझ लीजिए उसी भजन कीर्तन के चक्कर में वो चैनल चला गया. चैनल तो चला गया वो बात ठीक है, लेकिन टेंशन किसको हुआ? आपने देखा टेंशन में कोई रोते हुए लाइव आ गया और रोने वाले लाइव में अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया. एज यूजुअल यू नो, हमेशा नया टारगेट तो चाहिए रहता है बुराई करने के लिए. तो इस बार मम्मी थी, उसकी मम्मी, मेरी नहीं. तो ये हो गया कि भाई मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई नहीं. चलो भाई बहुत दुख लगा देख के कि भाई इतना दुखी प्राणी है, रो रहा है. तो उसके बाद लेकिन 12 मिनट के बाद क्या हुआ, 12 मिनट, हाँ 12 मिनट के अंदर ये हुआ कि जिन माँ बाप की बुराई की जा रही थी उस लाइव में, उन्हीं का चैनल, उन्हीं में से एक का चैनल अपनी कम्युनिटी पे डाला गया और पंचायत चालू हुई कि जो चैनल डिलीट हुआ है उसका जो भी क्रिएटर है मेरे से इंस्टाग्राम पर आके तुरंत बात करे. ओ मतलब इन सभी चीजों के पीछे आपका हाथ था, वो कम्युनिटी इस बात का प्रूफ है और उस कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट मेरे पास ऑलरेडी है. सो वेलकम, आपकी भी एंट्री हो जाएगी बहुत जल्दी, आप टेंशन ना लीजिए, है ना. क्योंकि देखिए जब कुछ चल रहा होता है, जब कुछ एक्शन हो रहे होते हैं जिसमें यू नो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लीगल वाली बातें मैं कर रही हूँ, तो उसमें ना पोक नहीं करनी चाहिए अपनी नाक, चुपचाप बैठे रहना चाहिए. वो कैसे डिलीट हुआ, किन टर्म्स पे डिलीट हुआ, वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे ये बताया गया था कि आप सारे प्रूफ रेडी रखिएगा, मतलब आप पूरे ही वीडियो जो भी हैं, जो भी आपके अगेंस्ट बोला गया सब कुछ डाउनलोड करके रखिएगा. तो वो पूरा मतलब जितने भी थे मेरे बारे में मैंने सारे रखे हुए हैं अपने पास, क्योंकि अब तो वो चला गया ना, आगे तो जरूरत पड़ेगी उन वीडियोस की, तो वो वीडियोस मेरे पास हैं. उस चैनल में जितने भी थंबनेल्स थे उसके भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं. मैं पर्सनली उस चैनल को या उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ. तो ये एक अपडेट है कि आप लोगों को जिन जिन को इसमें एंट्री चाहिए इन सारे मसलों में, प्लीज आइए, जैसे साइक्लोन ने एंट्री ले ली है. तो उसके बाद साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो साइक्लोन ने जो है अभी आज जो सुबह सुबह एक बड़ा ड्रामा किया लाइव आने के बाद, उसके 12 मिनट के अंदर ये एक इंसान कैसे इतना नॉर्मल हो सकता है कि 12 मिनट के अंदर इतने रोने धोने और इतने डिस्टर्बेंस के 12 मिनट के अंदर नॉर्मल होके अपनी कम्युनिटी में पंचायत चालू हो गई. इसकी कम्युनिटी से इंस्टा, इंस्टा में पंचायत चालू. ध्यान रखना जो भी चैट कर रहे हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, निकाली जा सकती है, ऑल दैट यू नो. सो एक ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी. और एक और चीज बताना चाहती थी कि वो जो भी चैनल था तो बड़े इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा. किसको समझा रहे हो, सब कुछ हो जाता है चैनल में, एक गलती बहुत भारी पड़ती है ना, एक गलती बस. और ऐसी बहुत सारी एक 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 करके गलतियां होती हैं जो काफी ज्यादा सीरियसली लेता है यूट्यूब. यूट्यूब हेट स्पीच को अलाउ नहीं करता. यूट्यूब पर हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में बहुत फर्क है. और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका नामो निशान नहीं है मेरे चैनल पर. और मेरे सब्सक्राइबर्स से मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे पता है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, बट मैं यही कहूंगी कि कुछ लोगों, there are some people who deserve your silence.
और ये वही ट्रीटमेंट है, मैं एकदम साइलेंट हूँ और मैं साइलेंट ऑन कैमरा हूँ बस। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, जितना भी अपडेट जरूरी होता है मैं आप लोग को देती हूँ। वैसे अपडेट मैं अपने यू नो अपने लोगों को देती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को देती हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कोई कुछ ऐसा गंदा बोल दे तो वो अपसेट मुझसे ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसका असर जो है वो मैं देखती हूँ कि अरे बाबा बहुत सारे लोगों के ऊपर हो जाता है। कोई मेरी कम्युनिटी से कॉन्टेंट उठा रहा है, कोई मेरे कॉमेंट सेक्शन से कॉन्टेंट उठा रहा है, और मतलब हद ही हो रखी है। लेकिन इन लोगों का किसी का भी नाम नहीं मिलेगा आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर। सो एक ये एक चीज है जिसके कारण मैं चुप थी और मैं आगे भी चुप रहूंगी, और आप लोगों को मेरे साथ पेशेंटली वेट करना होगा हर चीज का। तो आज तो आपने टिक-टिक वन देख लिया है, इस टिक-टिक वन के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, ये सिर्फ स्टेज नंबर वन है। और साइक्लोन ने जैसा कि बोला आओ इंस्टा पे आओ, क्या करोगे साइक्लोन? यूट्यूब के हेड हो, क्या करोगे? वापस कर दोगे? खोल दोगे चैनल? क्या करोगे? आई विश टू सी, तुम क्या करोगे? नया खुलाओगे ना, उसी का वेट है बस। नेक्स्ट स्टेप जो है ना, बस उसी का वेट है मैडम। आप सबके कंधे पे रख के जो तलवार और गोली चला रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, खुद को सेफ रख के बाकियों को फंसा रही हैं आप। लेकिन अब जो आपने कम्युनिटी डाली उससे आपके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आप लोगों को। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक अंकल हैं जो खाना वाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं, साइक्लोन के घर के आसपास ही रहते हैं वो भी। तो वो बड़े ही अनहाइजीनिक हैं, चप्पल के बगल में बैठ के खाना खा लेते हैं, मतलब चप्पलें पड़ी हुई हैं बाहर से घूम के आए। एक तो चप्पल घर के अंदर उतारने का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चप्पलें घर में पड़ी हैं, वहीं बैठ के खाना खा लिया। कितने हाइजीनिक हैं वो। ज्ञान दे रहे थे अपने वीडियो में कि गाइस यूट्यूब इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, सारी दुनिया के लोग देखते हैं हमें। हाँ बिल्कुल देखते हैं, ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी, और मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आपने बिल्कुल 100% सही बात बोली कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि गंदगी ना करें, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। तो गंदगी पहले आप अपने घर की समेटिए, क्योंकि आपके घर में ना पूरे घर में क्लटर भरा हुआ है। क्लटर पता है क्लटर क्या होता है? कूड़ा करकट, कभी ये कोने में सामान, वो कोने में सामान, और सफाई तो होती नहीं है। और आप लोगों ने देखा है कि ये जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इनका रेसिपी का चैनल है, लेकिन जब ये मार्केट जाते हैं सामान खरीद के लाते हैं, सब्जी धोते होंगे या जो भी करते होंगे, बट उन्हीं कपड़ों में ये आपको रेसिपी बना के खिला देंगे, ठीक है, इस कोरोना के काल में। सो यू कैन अंडरस्टैंड अंकल जी, आप अपने घर से सफाई शुरू करिए। और गंदगी जो है मैं कहूंगी सबसे ज्यादा तो आप लोगों के वीडियो में है, चप्पल के बगल में बैठ के खाना, घर को गंदा रखना, झूठ बोलना, फरेब करना लोगों के साथ, लोगों को इनडायरेक्टली पैसे देने के लिए बोलना कि मुझे ढाबा खोलना है, मुझे ये खोलना है, मुझे सोशल वर्क करना है। अरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, खुद के दम पे होने चाहिए ना। लोगों को बता के क्या फर्क पड़ता है, लोग कुछ नहीं करेंगे, और लोगों को करना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सफाई आप अपने घर से स्टार्ट करिए, बाहर से दूसरे बच्चों को मत सुधारिए, पहले अपने घर में देखिए किस किस को सुधार की जरूरत है। ठीक बोली ना बात पते की मैंने, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और सभी लोग देख रहे हैं। आप इंडियन यूट्यूबर हैं, मतलब आप इंडिया के क्रिएटर हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, है ना। तो आप क्या दिखा रहे हैं कि घर ऐसे रखते हैं हम इंडिया के लोग कि गंदगी से रहते हैं हम लोग? नहीं, आपने बोला सफाई की बात, सिर्फ मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, वरना तो मैं आपका ना वीडियो देखती हूँ ना कुछ। वो तो मुझे, मैंने देखा कि इतना बड़ा क्लिकबेट थंबनेल था कि गिरे हुए थे, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, तो मैंने सोचा अरे भाई क्या हो गया, ये इतना मेहनत करते हैं, इतना दौड़ते भागते हैं, तबीयत कैसे खराब हो गई? अंदर देखा तो मुझे ये सब मिला। चलिए कोई बात नहीं, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, दूसरों के कंटेंट पे ध्यान मत दीजिए। जो सच बोल रहे हैं आप सच नहीं सुन सकते हैं तो आप मत देखिए। ये रिएक्शन चैनल्स हैं, इनका कंटेंट ही है सच दिखाना, सच बताना, ठीक है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक वीडियोस पे अपना काम कर रहे हैं। और रही बात एक और कि हम लोग गाली गलौज नहीं करते, हम लोग गाली गलौज नहीं करते ना, हम गाली गलौज के बिजनेस में है ना, हम फेक आईडी के बिजनेस में है। तो अगर मैंने एक और चीज देखी है गाइस, कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि इसने फेक आईडी बनाई, उसने फेक आईडी, इसके पीछे उसके पीछे, एक एक चीज स्क्रूटनाइज होगी। तो आप लोग जो मेरे बारे में लिखते हैं ना, बस जस्ट मेक श्योर कि वो प्रूफ कर देना। अगर नहीं कर पाए तो मुसीबत आपकी बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरे चैनल पर किसी भी
का ऐसे इंसान का नाम नहीं है जो मेरे बारे में बकवास किए जा रहे हैं, किए जा रहा है, किए जा रहा है, राइट। और भी है चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं, मेरे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके कारण मैं खुल के आप लोगों को सारी बातें नहीं बता पा रही हूँ। और रही बात कि वो चैनल बंद हो गया, तो वो डिजर्व करता था बंद होना, डिजर्व करता था, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एक गलती, शायद मैं पहले बोल चुकी हूँ ये बात, एक गलती अगर आपने अपने चैनल में कर दी तो आपके चैनल पर तलवार लटक जाती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिनमें इतनी सारी ऐसी बातें हैं कि एनीवेज, जब मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे भी मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी। और ये जो मैंने काम, ये जो मैंने वीडियो बनाया था, ये मैंने सिर्फ आप लोग को अपडेट करने के लिए एक वीडियो बनाया था कि आप लोग परेशान हैरान ना हो, एक छोटा सा वीडियो है जस्ट टू अपडेट यू ऑल। और मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, है ना। और साइक्लोन, अपने मतलब से मतलब रखो तो बहुत अच्छा होगा, वरना आप भी आ जाएंगी, वेलकम हो जाएगा आपका भी इस पूरे मसले में, जो इतना बड़ा घना और वैसा मसला है। आप अपने आप ट्रैक कर रही हैं अपने आप को, आप अपने आप इसमें स्टेप इन कर रही हैं, और उसके बाद रिपीटिशंस के लिए आप तैयार रहिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट का तो मैं आप लोगों के वेट करती हूँ, एंड शेयर करना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।